नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर सेक्रेटेरिएट चौक में लीगी कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। कारकुनान ने जाए नजरे आतिश करके सड़क ब्लॉक कर दी है। इस बारे में मजीद बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सलीम शेख से। सलीम शेख बताइएगा क्या मनासे देख रहे हैं अदालत के बाहर? जी, जो अदालत के बाहर जो है तमाम रास्ते जो है कंटेनर और बैरियर लगाकर बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो कारकुन बाहर थे उन्होंने एहतजाज करते हुए जो है रोड को ब्लॉक भी किया और उसके साथ साथ जो है टायरों को आग लगाकर जो है एहतजाज कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इससे जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है कोर्ट अस्तर जेल से एहतसाब अदालत में लेकर आने के लिए जो है टीम रवाना हो चुकी है और कुछ ही देर में जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है एहतसाब अदालत में पेश कर दिया जाएगा, जहाँ पर जो है नैब के जो अफसरान हैं उनसे एहतसाब अदालत से चौधरी शुगर मिल केस में जो है उनके रिमांड की सजा करेंगे। इस मौके पर जो है कैप्टन सफदर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और जब उनसे पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयान में फर्क है, तो उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बयान में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। मुझे ग्रुप जो है कारकुनों को लेकर जो है आज़ादी मार्च में शरीक होगी, जबकि इस मौके पर उनसे पूछा गया कि गुजशतर भी आपने जेल के बाहर की बात की थी तो उस पर पार्टी के समाज की तरफ से वजाहत आई थी, तो उनका भी कहना था कि मैंने तो अपने कायद या मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम जो है वो आवाम तक पहुँचाया है, अगर कोई इस पर वजाहत करता है तो वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। जी अच्छा सलीम शेख, आप बता रहे हैं यहाँ पर कैप्टन सफदर भी पहुंचे, इसके अलावा दीगर रहनुमा भी नून लीग के यहाँ पर पहुंचे हैं। पेशी के लिए नवाज शरीफ को अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर लाया जाएगा और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो अदालत के बाहर मौजूद हैं, जो कि टायर नजरे आतिश कर रहे हैं और उनकी जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है। सलीम शेख ये बताइएगा, जो यहाँ पर नून लीग के रहनुमा पहुंचे हैं उनका क्या कहना है इस आज की पेशी के हवाले से? आज की पेशी के हवाले से जो है मुस्लिम लीग की जो रहनुमा यहाँ पर पहुंचे हैं तमाम के तमाम, उनका ये कहना था कि उनको जो है वो जाती अनाज का निशाना बनाया जा रहा है और मुस्लिम लीग मूल के तमाम रहनुमाओं समेत कारकुनों को भी अगर पाबंदी हासिल किया जाएगा तो वो इस तहरीक से बाज नहीं आएंगे। उनका ये कहना था कि अपोजिशन को जो है दबाया जा रहा है, वो हुकूमत के दबाने से जो है अपोजिशन बाज नहीं आएगी। उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ का जो बयानी है वो उसी तरह रहेगा, हुकूमत जो है कोशिश घंटों से बाहर रहे और हुकूमत जो है नवाज शरीफ पर नाजायज और झूठे मुकदमा बना रही है। उनका ये कहना था कि अगर आज नैब जो है नवाज शरीफ के रिमांड की सजा करेगी तो वो भी गैर कानूनी होगा। जी अच्छा, शुगर मिल्स केस में आज नवाज शरीफ को पेश किया जाना है, सलीम शेख ये भी जानना चाहेंगे कितना रिमांड तलब करेगी नैब और नैब की क्या दलाइल है कि वो आज रिमांड तलब करेगी, इसके अलावा शुगर मिल्स केस में शामिल तफ्तीश करेगी नवाज शरीफ को? जी बिल्कुल, जो गुजशतर रोज नैब ने साफ अदालत में दरख्वास्त की कि हमें जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से जो है तफ्तीश करनी है चौधरी शुगर मिल केस के जो शेयर सबसे बड़े शेयर होल्डर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उनसे ये पूछ रहे हैं कि उनके पास इतने सारे शेयर जो है वो किस तरह हैं, तो जिस पर जो है आज उनसे इस तफ्तीश के हवाले से बात होनी है कि नवाज शरीफ को जो है नैब की कस्टडी में ले लिया जाए ताकि जो है उनसे तफ्तीश की जा सके, क्योंकि नवाज शरीफ पहले से जो है वो जेल में अपनी सजा भुगत रहे हैं और नैब जो है वो आज उनको तफ्तीश जिस्मानी रिमांड तलब करेगी और जिस्मानी रिमांड लेने के बाद जो है उनको नैब हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा और जितने रोज का रिमांड मिलेगा उतने रोज जो है वो उनसे तफ्तीश की जानी है कि आपके पास जो है शुगर चौधरी शुगर में केस में जो है नवाज शरीफ को जेल से लेकर एहतसाब अदालत की जानिब रवाना हो चुकी है। हमें अपडेट कर रहे थे सलीम शेख, मजीद अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। सलीम बहुत शुक्रिया।